जांजगीर चांपा जिले खोखरा भाटा के पुलिस ग्राउंड में 13 अगस्त को आयोजित भरोसे के सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से चल रहा है। पुलिस ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सत्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस की तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक जैन के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल के साथ कांग्रेसी नेता सहित जिले के एसपी कलेक्टर व संभाग के कमिश्नर मौके पर उपस्थित रहे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जांजगीर चांपा आ रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। जहां एक ओर कांग्रेस जन में तो उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी ओर आम लोगों में, जनता में बहुत उत्साह है। जो हमें फीडबैक मिला है, हमारे लोगों ने हमें बताया कि भारी संख्या में कल यहां पर 13 तारीख को यहां पर लोग एकत्रित होंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए। हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं पूरे राज्य में, और उसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के हमारे अपने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर महंत जी, इनकी देखरेख में, रहनुमाई में यहाँ पर सारा कार्य, सभी लोग इनके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे कि परसों जो हमारे सरकार के कार्य हुए हैं यहाँ, तो उसको हम दिखा पाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें यहाँ पर देखेंगे। कई हमारी स्कीमों का लोकार्पण भी होगा और शुरुआत भी होगी, तो यहाँ के पूरे क्षेत्र को एक बहुत अच्छी सौगात मिलेगी। हमारे प्रभारी मंत्री जय सिंह जी हैं, हमारे नए अध्यक्ष दीपक बैज जी, शायद आपके बनने के बाद पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जब हमारा सेशन हुआ था AICC का, उस समय भी आए और रायपुर में बहुत बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन यहाँ के लोगों में एक बहुत उत्साह था और बहुत डिमांड थी कि हम मल्लिकार्जुन जी खड़गे को यहाँ पर लेकर आए। तो हमें खुशी है कि वो यहाँ देखो, वो तो अब लोकतंत्र में, राजनीति में हर तरह की बात है कि कोई सीट हम जीतते हैं, कोई नहीं जीत पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे रायपुर में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो चुका है, हमारा कार्यक्रम बस्तर में हो चुका है, जगदलपुर में, तो यहाँ नॉर्थ में भी एक डिमांड थी कि एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ भी हो, तो उसी के तहत यहाँ कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की शंखनाद कहा जा सकता है? शंखनाद तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5 साल पहले ही हो गया था अगले चुनाव का, और 5 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, आपने देखा कि हर नागरिक को छुआ है। और जो भारत सरकार की गलत नीति रही है, जहां दूसरी सरकारें हों, खास तौर से